इस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube थंबनेल बनाना सिखाऊंगा और एक वेबसाइट का यूज करूंगा जिसे कैनवा कहते हैं। इसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे थंबनेल बना सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा और 1 से 2 मिनट में हमारा थंबनेल बनके तैयार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा जो भी न्यू अपडेटेड वीडियो आए वो आपके पास पहुँच जाए। तो मैंने फोटोशॉप में कुछ सेव बनाया है, उस सेव को आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हमें फॉलो कीजिए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए यही थंबनेल है। यही थंबनेल मैं आपको कैनवा में बना के दिखाऊंगा कि कैनवा में हम कैसे बनाते हैं। ये थंबनेल मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में बनाया है। देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग लेयर है, आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर मैंने खुद ये सब शेप मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। अगर इस तरीके का थंबनेल आप फोटोशॉप में बनाना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करें, मैं फोटोशॉप में बताऊंगा कि इस तरीके का थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। अभी आप कैनवा में सीखें तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए मैं आप ये जितने भी शेप है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको अगर इसका PHD फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं इसका PHD फाइल भी दे दूंगा। उसके बाद एक चीज़ और कि आप एक देखिए PNG पिक्चर अपना ले लीजिएगा, जो भी आप लगाना चाहते हैं थंबनेल पर वो पिक्चर यहाँ पर PNG होना चाहिए। उसके बाद आपको कैनवा ओपन करना है। आपको canva.com आप ब्राउजर पे सर्च करेंगे, canva.com टाइप करके तो आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है इस वेबसाइट को। लॉगिन कैसे करना आपको पता ही होगा, बहुत सारे वेबसाइट आप लोग लॉगिन किए होंगे। अगर लॉगिन नहीं किए हैं फिर भी यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ सर्च बॉक्स है, देखिए सर्च बॉक्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, टाइप करना है YouTube थंबनेल आपको यहाँ पर टाइप करना है और सर्च कर लेना है इसे। और इस तरीके का यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग टेम्पलेट है, ये सब लेकर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप यहाँ से जो भी टेक्स्ट है इसे भी चेंज कर लीजिएगा, इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ये एक PHD टाइप का ही वहाँ पर आपको दे देगा, लेकिन हमें आज क्या बनाना है, एक ब्लैंक बनाना है। तो यहाँ पर क्रिएट ए ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल अपना बनाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका थंबनेल का जो भी साइज़ होता है यहाँ पर वो साइज़ दे देगा और यहाँ पर आपको टेम्पलेट वगैरह दे देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो मैं आपको इमेज दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड करके यहाँ आप अपलोड, देखिए अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे जाइएगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड मीडिया पे जाने के बाद यहाँ डिवाइस, कौन सा डिवाइस में आपका है वो डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और जहाँ पर भी है आपका वहाँ से आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड लेने के बाद इसे हम जितना है जितना इसके थंबनेल का साइज है उतना हम इसे यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। इतना लगने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शेप लेंगे, ये वाला शेप लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला आप ले लीजिएगा, देखिए ये वाला है और इसे सबसे बड़ा करके इसे हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, लगा लेंगे, ठीक। अब आपको देखिए ये वाला शेप पे क्लिक करना है और ये वाला शेप क्लिक करके इसे भी आप इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ले लेंगे और इस पर हम लगा देंगे, और यहाँ पर मैं आपको देखिए टेक्स्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हेडिंग पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पर आप ऐड करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दे दिया था ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, सिर्फ आप एडजस्ट करके आप बना लें, ठीक है। बस ये हो गया। इसके बाद हम ये वाला लेंगे और इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक डिज़ाइन है ये वाला जो हम बॉटम में इसे लगाएंगे, बॉटम में यहाँ से लगा देंगे। ये लग गया। इसके बाद दूसरा डिज़ाइन ये है, इसे भी हम लगा लेंगे यहाँ पर। दूसरा डिज़ाइन इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। ये हो गया। फिर इसका एक इसका टेक्स्ट यहाँ पर हम इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा
ठीक, ये लग गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और है सेव, इसे ले लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पर थोड़ा लार्ज कर देते हैं और इसे भी एडजस्ट कर लेंगे, इसे हम इस तरीके से एडजस्ट करें। ठीक है, अब देखिए ये जो सेप हमारा है इस पर टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, यहाँ से हेडिंग लेंगे और इस पर लिखेंगे फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, अब इसे पकड़ के हम इस पर एडजस्ट कर लेंगे, इसे छोटा कर लेंगे थोड़ा। अब क्या कीजिएगा, एक इमेज यहाँ पर अपलोड करना है आप सबको, ठीक है, पीएनजी इमेज आप आपके पास जो भी है यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। हमारे पास देखिए यहीं पर होगा एक ये वाला, इसे ओपन कर लेते हैं और यह हमारा अपलोड हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये इमेज आ गया। ठीक है, इस इमेज को आप एडजस्ट कर लीजिएगा कितना चाहिए आपको, ठीक है, इस तरीके से कर लिए। उसके बाद आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं या सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो हमारे पास देखिए बटन भी है तो उसे भी हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, उसे यहाँ पर लगा देंगे। केक ये है, इसे हम यहाँ से उठा लेते हैं और ये आ गया, इसे हम छोटा कर लेंगे थोड़ा और इसे यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ अपना जो खाली स्थान है वहाँ पर नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे, आप अपना नाम लीजिएगा, यहाँ पर हम अपना नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट को आप पकड़ के यहाँ नीचे ले आइएगा और इसका जो कलर है आप यहाँ से देखिए टेक्स्ट कलर है, तो टेक्स्ट कलर यहाँ से आप जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा चाहिए हम, चलिए ये कलर रहने देते हैं, या आपको ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं, हम यही रहने देते हैं वाइट। ठीक, अब ये हमारा थंबनेल तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आप अपना थंबनेल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शेप दे दिया हूँ, टेक्स्ट दे दिया हूँ, और आप इसमें अगर कुछ अलग से लिखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब करना आपको किस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और उसे एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा देखिए बन गया। बनने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देगा पीएनजी या जेपीजी, तो हम यहाँ जेपीजी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है नीचे में, देखिए यहाँ पर कॉर्नर में, अब ये हमारा डाउनलोड हो गया। यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। यहाँ पर क्लिक हेयर पर कीजिएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप अगर मोबाइल पर हैं तो इस पर क्लिक करके रखिएगा, या आप डेस्कटॉप वगैरह पर हैं तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और सेव इमेज कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा और यहाँ सेव कर देते हैं। सेव होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि थंबनेल कैसा दिखता है। अब देखिए ये थंबनेल ओपन करके दिखा देते हैं आपको, तो देखिए इस तरीके का थंबनेल यहाँ पर हमारा बन गया। थंबनेल से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा, और भी अलग अलग तरीके का थंबनेल कैसे बनाते हैं, मैं अपना थंबनेल कैसे बनाता हूँ। अगर आपको ये थंबनेल अगर आपको फोटोशॉप पर सीखना है आप कमेंट कीजिए, मैं ये थंबनेल फोटोशॉप पे बना के दिखाऊंगा कि शेप आपको कैसे बनाना है, इसमें जितने भी डिजाइनिंग है वो उसे कैसे बनाना है। अगर आपके पास कोई थंबनेल का पिक्चर है तो उस पिक्चर को कमेंट में डालें, तो उस थंबनेल को मैं यहाँ पर फोटोशॉप पे बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।